राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव के बाद नतीजे मिल चुके हैं। महारानी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नतीजे अब घोषित किए गए हैं। महारानी कॉलेज छात्र संघ चुनावों में अपेक्स पदों पर वोटिंग काउंटिंग शनिवार को कॉलेज परिसर में शुरू हुई। मतपेटियों में एक एक कर बैलेट पेपर निकालकर उनकी काउंटिंग की गई। इसमें महारानी कॉलेज के अध्यक्ष पद पर मानसी वर्मा, उपाध्यक्ष पद पर कपीशा, महासचिव के पद पर ज्योति राठौर निर्वाचित घोषित हुई हैं। इसके अलावा संयुक्त सचिव के पद पर शानाज बानो को एक ही आवेदन मिलने से पहले ही निर्विरोध जीत मिल चुकी है। उनकी जीत की औपचारिक घोषणा भी की गई है। इसके बाद महारानी कॉलेज में सभी विजेता प्रत्याशियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रिजल्ट्स में जीतने वाले कैंडिडेट्स के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ एक अलग ही खुशी और चमक दिखाई दी। वहीं हारने वाले कैंडिडेट अपने आंसू नहीं रोक पाए, अपनी हार पर बुरी तरह से रोते नजर आए। उनके साथ मौके पर रहे एजेंट उन्हें दिलासा देकर शांत कराने में लगे हुए थे। इसी दौरान महारानी कॉलेज के विजेता पैनल प्रत्याशियों से खास बातचीत की एवं संवाददाता हनुमंत सिंह चार। 214 वोट थे, सेकंड स्थान पर रही है आलिमा अली 593 वोट और पहले स्थान पर रही है ज्योति राठौर 807। बहुत बहुत बधाई ज्योति राठौर, बहुत बहुत बधाई ज्योति राठौर जनरल सेक्रेटरी के लिए निर्वाचित हुई। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 78 वोट्स इनवैलिड है, 182 नोटा है। दूसरे स्थान पर खुशनुमा 681 वोट और पहले स्थान पर कपीशा 748 वोट। वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित हुई है कपीशा। प्रेसिडेंट कुल वोटों में से इनवैलिड 55, एक वोट यूनिवर्सिटी का इधर डाल दिया गया, नोटा 68 है। पांचवें स्थान पर अनु कुमारी, चौथे स्थान पर पांचवें स्थान पर अनु कुमारी को 205 वोट मिले हैं, सॉरी 205 वोट मिले हैं। चौथे स्थान पर सानिया सैनी को 214 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर सोनू धाकड़ को 265 वोट मिले हैं और दूसरे स्थान पर अर्चना मीणा को 334 वोट मिले हैं। पहले स्थान पर मानसी वर्मा 547 वोटों के साथ वो निर्वाचित घोषित है। सो अध्यक्ष पद के लिए मानसी वर्मा बहुत बहुत बधाई, 547 वोटों। महारानी कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। अध्यक्ष पद पर मानसी वर्मा, उपाध्यक्ष पद पर कपीशा, महासचिव पद पर ज्योति राठौर, वहीं संयुक्त सचिव पर जो है शहनाज बानो पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। सबसे पहले मानसी बधाई आपको अध्यक्ष पद की, महारानी कॉलेज की कमान जयपुर की शान आपके हाथ, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर, यही कहना चाहूँगी, बहुत गौरव और गर्व की मैं गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इस पद के लिए चुना गया। बस यही कह सकती हूँ कि जिन्होंने मुझे चुना और जिन्होंने नहीं भी चुना उन्हें मैं कभी निराश नहीं करूँगी, हमेशा खड़ी रहूँगी उन्हें सुनने के लिए और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी ताकि आगे जो भी बने उन्हें भी प्रेरणा मिले कि हमें इस तरीके से काम करना। कौन सी मांगों को लेकर चुनाव लड़ा था और आपकी क्या प्रमुखता रहेगी यहाँ कॉलेज में? जैसे कि सर आई हैव सिक्योर 95% एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट द एडमिशन इन महारानी। बट जैसे मैं अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में देखती हूँ तो जो मेरा ग्राफ ऑफ प्रोग्रेस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। जब मैं मेहनत पूरी कर रही हूँ, मैं अपना पूरा दे रही हूँ, तो मैं मुझे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे? तो हमें जो ग्राफ ऑफ प्रोग्रेस है उसे हमें बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, वो हमारे मुद्दे होने चाहिए। करियर सेमिनार्स होने चाहिए, हेल्थ जो हमारी फैसिलिटीज है हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए। जो एक एप्रिसिएशन होता है, मैंने स्टेट लेवल डांसर एप्रिसिएशन जो होता है वो हमें कॉलेज में रखना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो और भाग लें अलग अलग कॉम्पिटिशन में ताकि वो आगे बढ़ सकें। उपाध्यक्ष पद पर कपीशा, बताएं किसको देना चाहेंगे जीत का श्रेय, कितनी मेहनत की थी आपने? सबसे पहले तो मैं अपनी जीत का श्रेय सारे हॉस्टलर्स को देना चाहूंगी क्योंकि मैं एनी बेसेंट हॉस्टल से बिलोंग करती हूं। उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया है इस पद पे जब से मैं यहां आई हूं और वो लोग चाहते हैं कि मैं ना सिर्फ हॉस्टल के लिए बल्कि पूरे कॉलेज के लिए वर्क करूं। पहली चीज़ जो मानसी ने ऑलरेडी मेंशन की, मैं भी एक ऑल इंडिया डेक्लेमेशन कंपटीशन की चैंपियन रही हूँ लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अपनी जो टैलेंट है उसको आगे नहीं बढ़ा पाई, तो मैं कोशिश करूँगी कि और सारे बच्चे जो इतने टैलेंटेड हैं उनका जो टैलेंट है वो निखर के आए। बाकी रेगुलर क्लासेस और मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड सारे मुद्दे हमारे बीच रहेंगे, हम कोशिश करेंगे उन सब पर हम काम कर सकें। धन्यवाद।
देख सकते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उस पर काम करेंगे हम। एक और कैंडिडेट है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आपने जो है चुनाव परिणाम में विजय हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी हो रही है, महारानी वालों का पूरा साथ था मेरे साथ, इसलिए मैं आज यहाँ पे इस पद पे मेरे को चुना गया है। बाकी जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर कम कराया जाता है, तो निर्भया का जितना ज़्यादा है हमें सेल्फ डिफेंस का यहाँ पे सिखाया जाएगा या निर्भया के करे जाएंगे, तो उसमें हम आगे आगे बहुत मतलब ऊंचाइयों पे अगर जाएंगे ना, तो सिक्योरिटी में लड़की सेफ होनी ज़रूरी है। अगर उसको ये सब सिखाया जाएगा तो लड़की एकदम सेफ और सुरक्षित रहेगी अपने हिसाब से। देख सकते हैं कि ये थी हमारे साथ में महासचिव पद की जो है विजयी प्रत्याशी ज्योति राठौड़। और शहनाज बानो भी है। शहनाज बताए किस तरीके आपका अगर तो निर्विरोध निर्वाचन, कितनी खुशी दूर आने की परिणाम तो पहले ही आ चुका था। हाँ, मुझे तो उस वक्त से ही बहुत खुशी हो रही है, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही जब से मैं इस पद पर आई हूँ। और जो लोग नहीं चुने गए मुझे उनके लिए भी बहुत दुख है, और मैं अपने पद का इतने अच्छे से प्रयोग करूँगी, मैं इस पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगी। अच्छा, क्या मांगे रहेगी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव आपने जो मैदान में डाला था? मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जो भी करूंगी बहुत ईमानदारी से करूंगी। देख सकते हैं कि जो भी करेंगे ईमानदारी से, जो भी छात्रों की मांगे होंगी वो सभी प्रत्याशी विजयी है, उनका कहना है कि वो छात्राओं की जो हक की लड़ाई है उसको लड़ेंगे और महारानी कॉलेज की जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हर समय छात्राओं के साथ में खड़े रहेंगे और उनको जो है इन समस्याओं के निजात दिलाने में जो है आगे आकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ हनुमान सिंह चारण, एवन टीवी न्यूज।